आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं सासाराम प्रखंड के मुरादाबाद पंचायत के बाराडी में हैं। यहाँ पर पैक्स प्रत्याशी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह अपने सारे दल बल के साथ, अपने साथियों के साथ वोट मांग रहे हैं। अब मात्र 8 दिन बचे हैं और लगभग सारे लोग अपनी ताकत को झोंक रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट को बनाएं, वोट को डलवाएं और 26 तारीख को वोट डाला जाएगा। सब लोग अपनी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि रोहतास जिला का 4 ऐसा प्रखंड है, चेनारी है, शिवसागर है, सासाराम है और कोचस है, जहां प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है। उसी क्रम में संजय सिंह है, उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बाबा दर्शन को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और हमारे पंचायत के सभी सम्मानित बाराडी गाँव के सभी बड़े बुजुर्ग सबको मैं अपने तरफ से नमस्कार करता हूँ। आज ये जन समर्थन लोगों का सब जूम जुमड़ा है, ये बताता है कि हमारा पैक्स का कार्य से लोग संतुष्ट हैं और हमें मौका देने के लिए इन लोगों ने सफलता से बड़े बुजुर्ग सब राज्य लोग सब साथ घूम रहे हैं और आगे हमारा पैक्स विकास की ओर अग्रसर है। और लोगों से मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग साथ दीजिए, मैं इस कड़ी को आगे विकास बढ़ाता रहूंगा। आज जिला का प्रथम पैक्स बनकर मुरादाबाद को पैक्स को गौरवान्वित किया गया, जिसमें हमारे बाराडी गांव में, बाराडी भी हमारे पंचायत में, ये बहुत पुराना गांव है, बहुत सम्मानित लोग यहां रहते हैं, सभी लोगों का मान सम्मान हमने पंचायत को 1 नंबर करके बढ़ाया है और आगे हमको मौका देंगे, इसको हम बिहार स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बिहार स्तर पर 1 नंबर बनकर इस पंचायत को, इस गांव को सम्मान दिलाने का काम मैं करूंगा। मैं अब किसानों से सलाह कर आग्रह करता हूं कि आप अपना ऑनलाइन कराएं, धान बिक्री के लिए धान क्रय केंद्र चालू हो गया, जो किसान का धान तैयार है, छोटे से छोटे किसान जो हैं अपना 10 क्विंटल 5 क्विंटल धान बेच कर अपना खाद बीज का पैसा लेकर अपना काम करें। किसानों की समस्या के लिए हमारा पैक्स आगे तत्पर रहता है और हमारा व्यापार मंडल भी चालू कल से हो गया, और जिन किसान को ऑनलाइन करना है करें, उसका सरकार का अधिप्राप्ति का लाभ उठाएं और जिला प्रशासन भी इस काम में अग्रसर है। कल बहुत सा केंद्र खुल गया है जिला में, 15 तारीख से स्टार्ट करना था 15 फरवरी तक, आप लोग उसमें लगे पर्याप्त अपना ऑनलाइन कराइए, अपना धान तैयार करके ले जाइए, किसान अपना खाद बीज का लेकर के अपना खेती करें समय से। एक सवाल है कि बड़ा चर्चा थी कैमूर और रोहतास दोनों में, जब 2016 में आपके पैक्स के गोडाउन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ था, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? उस समय पूरा बिहार में मुख्यमंत्री जी का दौरा होने का कारण था कि पूरा बिहार, पंजाब, हरियाणा में जो हमारा 1 अक्टूबर से अधिप्राप्ति चालू होता था, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के यहाँ मांग रखा था कि बिहार में क्यों नहीं, तो यहाँ होता था कि आपका धान में मॉक्चर होता है, नमी होता है, तो ट्रायल के रूप में कि बिहार में आखिर शुरुआत कैसे हो, तो मुरादाबाद पैक्स में पहला ट्रायल धान सुखाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था और उसी का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। तब हम लोग का 1 नवंबर से बिहार में अधिप्राप्ति का कार्य शुरू हुआ। आज नॉर्थ बिहार में 1 नवंबर से, साउथ बिहार में 15 नवंबर से होता है, उससे हम धान सुखा लें। मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य था कि पैक्स को मैं धरातल पर उतार कर काम करूँ, उस कड़ी में मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा राइस मिल का चावल देखे, ड्रायर से धान सुखा कर हम लोग वहाँ पर दिखाए, तब मॉक्चर जो धान में आता है सर 22-23%, उसको हम कम करने के सुखाने के लिए हमको मिला और उसी का देन है कि आज 15 नवंबर से धान का अपने, अपने प्रतिद्वंदी को किस नजरिए से देखते हैं, क्या लड़ाई कांटे की रहेगी या तरफा रहेगी? कोई हम लोग प्रतिद्वंदी नहीं मानते, अरे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाता हैं, प्रतिद्वंदी किस बात, अरे वो भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, हमारा कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, जन समर्थन हमारा बता रहे, कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई किसी का नहीं और हम लोग किसी का है नहीं, उसे दूर। संजय सिंह जिंदाबाद। चुनाव है तो चुनाव को हम लोग पूरी तरह लड़ रहे हैं और फैसला जो है वो मतदाता के हाथ में है। कैमरा मैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।